Hello everyone, welcome to Easy Ganit. My name is Sameer Sardana and we are going to start an amazing series of 5 minutes daily quantos. In the series, I'm going to pick some very, very important advanced level questions to help you with your CAT exam preparation. Both amazing level ke concept daily basis pe 5 minutes ke andar hum questions ko cover solve karenge. 5 minutes ke andar aapko ek naya concept seekhne ko milega jisse aapko आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? एक तो कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे अच्छे कवर हो जाएंगे, सेकेंडली आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का भी रेगुलर बेसिस पे कम टाइम में प्रैक्टिस हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड दिस सीरीज एज अ 5 मिनट्स डेली क्वांटोस. सो आई एम गोना पिक एन इंपॉर्टेंट क्लास लेवल क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इन द फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम जीपीएस मेथड से मीटिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे. मीटिंग पॉइंट बच्चे बहुत जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लेंथी इक्वेशंस बनाते हैं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बेसिक से छोटे से ग्राफ को बना के आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो. बट अगर आपका कॉन्सेप्ट और इस ग्राफ वाले मेथड पे अगर पकड़ आपकी बहुत अच्छी हो तो आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है. यू गाइज कैन डू इट विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन एंड विदाउट यूजिंग एनी क्रैम्ड फॉर्मूलाज, राइट? सम स्टूपिड फॉर्मूलाज आर नॉट सपोज्ड टू बी यूज्ड हियर. लुक एट इट गाइस, क्वेश्चन सेज एक्स एंड वाई एंटर अ 600 स्विमिंग रेस इन अ पूल ऑफ लेंथ ऑफ 100 मीटर. सो 600 मीटर का रेस है, पूल का लेंथ 100 मीटर है. That means अगर किसी को रेस कंप्लीट करना है तो 600 मीटर की रेस 100 मीटर के 6 लैप्स आपको लगाने पड़ेंगे, then the race will get complete. If a speed of x is 6 meter per second, speed of y is 10 meter per second, then how many times they do meet during the course of the race if they start simultaneously? अगर दोनों रेस को स्टार्ट कर रहे हैं simultaneously, रेस स्टार्ट हो रही है, दोनों सेम पॉइंट से ही होगी, तो ये जब तक रेस फिनिश नहीं हो जाता तब तक उनके कितने मीटिंग पॉइंट्स होंगे. इक्वेशन मेथड से, नॉर्मल मेथड से बहुत एरर होने का के चांसेस है. बच्चे कई बार क्वेश्चंस में ये गलती करते हैं वेदर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन मीटिंग होगा या नहीं होगा, राइट? सो दे नेवर गेट टू नो अबाउट इट, राइट? लेकिन इस मेथड से बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. 2 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे. करना क्या है आपको, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है, राइट? ये मैंने डिस्टेंस ले लिया पूल का 100 मीटर. और ग्राफ मेथड से बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो. डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ इज वेरी सिंपल. ये हमने डिस्टेंस ले लिया, ये हमारा टाइम का ग्राफ है, राइट? ये दोनों पैरेलल लाइंस मैंने रिप्रेजेंट कर ली, जिसमें हम एक एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे टाइम ऑफ टाइम टेकन बाई एक्स, और एक लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ टाइम टेकन बाई वाई. फॉर एग्जाम्पल 600 का मीटर, 600 मीटर 100 मीटर का लेंथ है, x की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस अगर 6 की स्पीड से कवर होगा तो 50/3 सेकंड लगेगा, राइट? दैट मींस पहला लैप 50/3 सेकंड में कवर हो जाएगा, तो यहां पे 50/3 पॉइंट्स को मार्क कर दिया, वेरी इजी. दूसरा 100/3 में हो जाएगा, थर्ड जब करेगा तो टोटल टाइम वुड बी 150/3, देन 200/3, 250/3 एंड 300/3. दैट मींस x के 6 लैप्स इस ड्यूरेशन में कवर होंगे. यहाँ ये फर्स्ट लैप, ये सेकंड लैप तक का टाइम, थर्ड लैप, फोर्थ लैप, फिफ्थ लैप एंड सिक्स्थ लैप. गेट इट? मतलब पहला जो पूरा लैप जो है 100 मीटर का. सिमिलरली y का जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर पर सेकंड. तो 100 मीटर का डिस्टेंस 10 की स्पीड से कवर होगा बच्चों 10 सेकंड में. सो 10 20 30 40 50 60 से 6 लैप्स कवर में 60th सेकंड तक उसके 6 के 6 लैप्स हो जाएंगे, और हर लैप को कवर करने में उसका टोटल 10 सेकंड का टाइम है. एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि 50/3 इज 16.67, और 10 का जो पॉइंट आना चाहिए 50/3. यू सी दैट 50/3 ये वाला टाइम है. देखो ये दोनों टाइम लाइन्स ही है, राइट? तो 50/3 अगर यहाँ पे आ रहा है विच इज 16.67, तो 10 इस लाइन के लेफ्ट में आएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है. 20 की बात करो, 100/3 33.33 होता है, तो 20 50/3 के बाद में आएगा लेकिन 100/3 से पहले आएगा. तो ये चीज ध्यान रखना, ये 100/3 इज 33.33 है, तो 30 इससे लेफ्ट में आएगा. अब 40 की बात करो, 40 सेकंड 33.33 से बड़ा है, बट 150/3 50 होता है, तो ये इसके लेफ्ट में आएगा, इसके राइट में. और 50 और 150/3 एक ही बात होती है, 150/3 इज आल्सो 50, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आएंगे. और 200/3 66.67 है, तो 60 वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये 200/3 वाले से लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में नहीं होगा. अब कुछ नहीं करना है आपको. आप देखो x को हम यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट? x अपना डिस्टेंस यहां से स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करेगा वैसे वैसे टाइम भी आगे जाएगा, राइट? तो पहला जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 50/3 में करेगा. तो ये 100 मीटर यहां से यहां जा रहा है, लेट्स से कि ए से बी हमारा 100 डिस्टेंस है,
तो जैसे जैसे वो ए से बी की तरफ जाएगा उसका टाइम 16.67 को टच करेगा, तो ये वाला ये उसका टाइम आ जाएगा राइट एक्स का, ठीक है। फिर वापस बी से ए करेगा तो सेकंड वाला लेफ वो 100/3 पे, तो वापस ले आओ इसको, ये टाइम इसका 100/3 पे वापस आ गया। फिर वापस बी ए वो बी से ए जाएगा राइट सॉरी ए से बी जाएगा तो थर्ड वाला टाइम जो आएगा उसका 150/3 होगा, तो ये 150/3 ये वाला पॉइंट आएगा इसके अपोजिट वाला राइट। फिर वापस 200/3 पे उसका फोर्थ लैप हो जाएगा, तो बस ज्वाइन करना है आपको। और फिर उसके बाद फिफ्थ लैप यहाँ पे आ जाएगा उसका। आगे जाने की आपने कोई जरूरत नहीं है बिकॉज उससे पहले ही एक्स रेस फिनिश वाई रेस फिनिश कर रहा है। वाई इज गोइंग टू टेक 60 सेकेंड विच इज लेस देन दिस, सो वाई का रेस पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहो तो आगे कर दो, बट आगे जाने की अपने को जरूरत है नहीं राइट। तो ये सारा जो क्या है ये एक्स का टाइम है, हमने टाइम्स को ज्वाइन कर दिया कि जब वो ए से बी गया तो उसने 50/3 सेकेंड लिए, दैट मीन्स टाइम लाइन पे 50/3 इसके सामने आएगा इस तरफ, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया राइट, ये टाइम आ गया। फिर सेकेंड वाला जब वो बी से ए जा रहा है तो 100/3 पे जाएगा टाइम उसका, तो ये इसको ज्वाइन कर दिया राइट, दैट्स इट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट वाई ना, वाई अपना पहला लैप ए से बी में 10 सेकेंड पे कवर कर रहा है, तो वाई का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से 10 सेकेंड पे जाएगा, फिर वो जाएगा 20 सेकेंड में, तो 20 सेकेंड इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा, तो ये 20 सेकेंड राइट। थर्ड वाला वो 30 यहाँ पे आएगा राइट, तो थर्ड वाला लैप उसका ये 30 सेकेंड में कवर हो गया। फोर्थ लैप 40 में, तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट यहाँ पे आएगा राइट, तो ये 40 वाला पॉइंट भी हमने ले लिया राइट। देन 50 वाला राइट, 50 वाला, अब देखो यहाँ पे ये इसका मतलब देखो, फिफ्थ वाली जो मीटिंग पॉइंट है वो बिल्कुल इनके बी एंड पे हो रही है, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा अगर एग्जामिनर ने ये पूछा कि कौन सी मीटिंग पे ये एंड पॉइंट बी पे मिलेंगे, तो उनका ये वाला मीटिंग पॉइंट जो होगा वो बी पे होगा राइट, जिसमें दोनों एक साइड एक साथ एंड बी में एक साथ पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इक्वेशंस में पता भी नहीं लगेंगे राइट। थर्ड वाला जो होगा उसका 60 सेकंड पे होगा, और 60 सेकंड वाला पॉइंट जो है आप देखो ध्यान से थोड़ा सा इसके इधर है, तो यहाँ पे जब जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा वाई, तो रेस फिनिश हो जाएगी। अब अगर हमें मीटिंग पॉइंट्स बता रहे हैं तो सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से हैं इनके लाइन के, एक्स और वाई के, एक 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट, 4 पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 मीटिंग पॉइंट्स, दैट्स इट, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइस राइट। कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि कब वो अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रहे हैं और कब वो सेम डायरेक्शन में मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स x का स्पीड, क्योंकि y का स्पीड जो है वो x की स्पीड से ज्यादा दिया हुआ है, y का स्पीड 10 मीटर है, तो y x को जब वो अपोजिट में जा रहे होंगे तब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो y का स्पीड ज्यादा होने की वजह से y x को ओवरटेक करेगा। तो आप देखो जो इनका पहला मीटिंग पॉइंट है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट में x जो है वो भी b से a जा रहा है, और ए जो है राइट एक्स भी ए से बी से ए जा रहा है, और वाई भी बी से ए जा रहा है राइट, सॉरी एक्स जो है वो ए से बी की तरफ, तो ये वाला पहला जो मीटिंग पॉइंट है, लुक एट इट गाइस, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट में एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए एंड बी, मतलब ये वाले पॉइंट पे अभी वो बी की तरफ पहुंचा नहीं है, क्यों, बी पे तो यहां पहुंच रहा है वो, और ये बी पे पहुंच के वापिस टर्न हो रहा है, दैट मीन्स जो पहली मीटिंग पॉइंट होगी, फर्स्ट वाला मीटिंग होगा, उसमें ए और एक्स और वाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे राइट। और अगर आप सेकंड मीटिंग पर देखो ध्यान से, सेकंड मीटिंग में अगर मैं एक्स का ग्राफ देखता हूँ, ये वाला ग्राफ राइट सॉरी वाई का ग्राफ देखता हूँ, तो वाई जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, और एक्स जो है वो बी से ए की तरफ जा रहा है, दैट मीन सेकेंड वाला मीटिंग भी उनका अपोजिट डायरेक्शन में हुआ राइट। थर्ड मीटिंग पे अगर आप देखो, थर्ड मीटिंग पे एक्स का ग्राफ देखो, तो x a से b जा रहा है और y जो है वो b से a की तरफ आ रहा है 30 से 40 सेकेंड, तो ये वाला थर्ड मीटिंग भी इनका अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, और फोर्थ मीटिंग पे दोनों एक साथ b पे पहुंच रहे हैं, फोर्थ मीटिंग जो है वो एक पॉइंट पे दोनों b और a दोनों दोनों x और y दोनों पॉइंट b पे एक साथ पहुंचे, और यहाँ इनका फोर्थ मीटिंग हुआ, और अगली कोई मीटिंग से पहले ही उसकी रेस फिनिश होगी। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी रेस की, कि कौन सा रेस का कौन कहाँ पे मीटिंग हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है या सेम डायरेक्शन में ओवरटेक हो रहा है। तो जीपीएस मेथड इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम वी आर मेकिंग अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। बहुत अमेजिंग मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का, मीटिंग पॉइंट्स के लिए कभी कोई गलती का चांस नहीं है। दैट्स इट फॉर द डे गाइज, दिस वॉज योर 5 मिनट डेली क्वांट। ऐसा ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे।
Keep on sharing the videos with all of your friends who are preparing for CAT and OMAT. Subscribe to the channel for the regular updates on B-School and also to cover such amazing concepts. Thanks a lot. See you in the next video. Thank you.